हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना, अर्चना वर्ल्ड क्रिएशन में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड, आज मैं गर्मी में खिलने वाले कुछ पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें पहला पौधा है गुलाब। और ये गुलाब आप लगा सकते हैं, ये गर्मी भर फूल देगा और बहुत ही खुशबूदार भी होता है फ्रेंड, तो आप गर्मी में ज़रूर लगाइए, जो कि आपका गार्डन का शोभा भी बढ़ाएगा फ्रेंड। और दूसरा पौधा देखिए फ्रेंड, सदाबहार, जो कि बहुत सारे कलर में होते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे पास दो कलर का है, लेकिन और भी कलर में होते हैं फ्रेंड, तो ये भी गर्मी भर फूल देगा और आपका फूल का कमी भी नहीं होने देगा। तीसरा पौधा है मोगरा, जो बहुत ही खुशबूदार पौधा है और ये जब खिल जाता है फ्रेंड, तो पूरा गार्डन ही खुशबूदार हो जाता है, तो इसे ज़रूर लगाइए फ्रेंड। इसी तरह फ्रेंड, आप गेंदा भी लगा सकते हैं। गेंदा हालांकि सर्दियों का पौधा है, लेकिन ये भी मई तक चलता है फ्रेंड, तो आपके पास यदि गेंदे के पौधे है या कहीं मिलता है तो आप ज़रूर इसे लगाइए। और गेंदा तो जानती हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। इसी तरह दूसरा प्लांट है फ्रेंड डहेलिया, जो डहेलिया बहुत ही बड़ा साइज का फ्लावर होता है और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप डहेलिया भी लगा सकते हैं फ्रेंड। ये बल्ब से लगाया जाता है, तो यदि आप इस सीज़न में नहीं लगाए हैं तो दूसरा सीज़न में आप ज़रूर नर्सरी से ला के लगाइएगा फ्रेंड, तो डहेलिया भी बहुत अच्छा प्लांट होता है। इसी तरह आप ये प्लांट देखिए, ये है कैक्टस फ्रेंड, तो आप कैक्टस में देखिए कितने अच्छे फूल सब खिला हुआ है, और गर्मियों में खिलने वाले ये फूल आपका गार्डन में बहुत दिन तक रहेगा। एक बार जब खिल जाएगा फ्रेंड, तो बहुत सारे दिन तक रहता है, इसलिए आप इसे भी ज़रूर लगाइए। और ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा जरबेरा, तो जरबेरा भी आप लगा सकते हैं। जरबेरा भी यदि देसी जरबेरा है, तो ये आपको पूरा गर्मी भर दो तीन ठो करके फूल देता रहता है। देखिए मेरे में दो ठो फूल खिला हुआ है अभी, और ये देखिए इसमें भी है एक जरबेरा का, ये मेरा छोटा सा प्लांट है, तो आप ये जरबेरा भी गर्मी में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड। बाय।